खट्टर खट्टर जीत के गए यहाँ से। और करनाल कम है खट्टर जीते अभी आकर ये जीतेंगे। हाँ जी सारा काम करे बीजेपी ने, बच्चे लगवा दिए बगैर पैसे लगने लग रहे। हाँ। बताने और क्या करेगी बीजेपी। तो यहाँ से तो रविंद्र मछरोली आपके पड़ोसी का। नहीं जी नहीं अभी रविंद्र मछरोली। हाँ जी चोर है चोर। चोर क्यों? हाँ जी पीछे पूरे गांव ने वोट दी थी और मेरे दूध के पैसे भी रख लिए छह महीना के। चोर है वो पक्का। अच्छा रविंद्र मछरोली। हाँ 6 किलो दूध रोज पिया करता और बाद में नहीं बोला केस लगवा दूंगा पैसे ले होगी तो। अच्छा हाँ जी क्या बताओ जी नाम मोर लग गई अड़ा। ये तो कीर्तन कर रही थी मोर तो लग गई स्कूल में लग गई स्कूल में ले गई बढ़ाना जीता गो और गेले बाबू बेटा यहाँ जीतेंगे। कौन सा गांव है जी? करंस। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। समालखा विधानसभा से बढ़ाना करतार सिंह बढ़ाना के बेटे मनमोहन बढ़ाना उनके गांव में खड़ा हूं। ये कहते हैं कि भी करंस गांव जो है उन्हीं का गांव है और यहां पर ये देख सकते हैं आप ये पूरे गांव की महिलाएं यहां पर आई हुई है पूरे गांव की और करंस की। तो मैं इनसे थोड़ी सी चर्चा करूँगा। ये सुनने को आया था मेरे पास फ़ोन गया कि भाई सूत्रों के हवाले से कि भाई यहाँ पर जो है मनमोहन बढ़ाना के नाम का यहाँ पर कीर्तन किया जा रहा है और यहाँ पर आए भी थे मैं तो इनसे थोड़ी सी समझूंगा। ये कह रहे हैं कि भी करतार सिंह बढ़ाना इसी गांव के है और कुछ लोग कहते हैं कि बाहर के हैं ये है वो चीज़ें चलती है। आपसे बातचीत करेंगे देख सकते हैं पर कैमरा मैन से कहूँगा इस तरफ भी दिखा दो पीछे बोर्ड भी लग रहा है वहाँ पर। और यहाँ पर भूमिया खेड़ा नहीं जी भूमिया खेड़ा है दादा खेड़ा। हाँ दादा खेड़ा भूमिया खेड़ा वही तो है। तो उस पर यहाँ इन्होंने कीर्तन कर रखा है कि यहाँ से मनमोहन बढ़ाना जीत सके। तो कहाँ इस गांव से हो जी आप? हाँ। अच्छा ये आज क्यों क्यों क्या कर रखा है जी? ये कीर्तन करवा रहे हैं खेड़े पर कीर्तन करवा रहे हैं। कीर्तन करवा रहे हैं किस नाम का? ये तो देखो मैं तो दे रहा नहीं है किस नाम का करवा रहे हैं खेड़े का करवा रहे हैं। अच्छा जी खेड़े के नाम का तो कह रहे हैं कि मनमोहन बढ़ाना की जीत के लिए कर रहे हैं। हाँ फिर जीत जाएगा जीत तो गाइस का बाबू जीतया था वो जीत जाएगा। अच्छा आपके गांव के ही है करतार सिंह बढ़ाना के हैं जब इन्होंने बढ़िया सेवा करी थी उसके बाप ने बढ़िया सेवा करी थी भी बढ़िया करेगा। हाँ गांव का ही मानना है। अच्छा इसकी यहाँ पे ही है पास में है कोठी भी उसके। तो ये बताओ आप सारे जने इसी बताओ कभी मनमोहन बढ़ाना चुनाव लड़ेंगे यहाँ से? लड़ागार बनेगा लड़ाधिकार बनेगा। हाँ। तो उसके लिए मतलब अरदास कर रहे हैं दादा खेड़े से। हाँ, हाँ। अच्छा आप भी जी? हाँ, सारे कर रहे हैं भाई। हाँ? सारे कर रहे हैं। सारे जने। हाँ सारे जने कर रहे हैं भाई। तो क्यों बनना चाहिए मनमोहन बढ़ाना यहाँ से? क्या बाबू ने बढ़िया काम करे थे जी? इसके बाबू ने बढ़िया काम करे थे। अच्छे जी। हाँ। लेकिन और भी तो चुनाव लड़ने वाले भाई आपके बढ़िया काम तो कराया था 5 साल रहा था बढ़िया काम कराया था। अच्छा फिर उसका लड़का भी बढ़िया काम करेगा। आपके पास से रविंद्र मछरोली भी चुनाव लड़ रहे हैं उसने तो बढ़िया कराया नहीं लड़ा रहा। अच्छा हाँ तो काम नहीं कराया? नहीं कराया। तो अब की बार लगता है कि भी जैसे आप भंडारा कर रहे हैं कीर्तन कर रहे हैं कि भी मनमोहन बढ़ाना ऐसे जीत सारे काम में तो बन जाइए फिर करो उसमें तो बनता नहीं है। जब मानस बाबरू मर गया तो बुढ़ा मर गया वो काम में नहीं आया बनकर तो बनेगा कुकर। अच्छा तो क्यों बनेगा ये क्या ऐसी क्या बात है मनमोहन बढ़ाना क्यों लगा? बेटा जिसके जबान में रस होगा ना वही बनेगा। अच्छा हाँ। तो और की जबान में रस नहीं है ना बेटा इसके बाप ने बढ़िया काम करे थे। अच्छा हाँ ये बढ़िया यू करेगा तो सब ही ना लोग। अच्छा हाँ तो बीजेपी की वोट दोगे? हाँ कांग्रेस के लिए ना कांग्रेस से क्या मतलब कांग्रेस की मैं तो कांग्रेस की कहूँगा ना तो आज लोग दी और ना दो कांग्रेस की खटरा बना दिया बेटा कांग्रेस का ना कर जाऊंगे जब खटरा बन गया खट्टर साहब खट्टर जीत के गए यहाँ से और करनाल कम है खट्टर जीते अभी आकर ये जीतेंगे। तो कांग्रेस नहीं जीती मतलब इस गांव जीती नहीं जब खट्टर जीत गया। तो इस पड़ोसी गांव मछरोली गांव का कुछ प्रभाव नहीं होगी भी अपने पड़ोसी गांव का विधायक नहीं होया होगा नहीं तो यहाँ से मनमोहन बढ़ाना ही जीतेंगे इस गांव से बीजेपी का जीतेंगे। अच्छा हाँ। तो आप जानते हो पहले से ही भाई करतार सिंह बढ़ाना लड़के गए हमारा तो खेत में कोठी बन रही इसकी हमारा तो खेत और कोठी है बढ़िया काम करे थे उन्होंने। अच्छा जी हाँ काम बढ़िया मतलब बढ़िया इंसान बढ़िया है। हाँ बढ़िया है। क्या नाम है जी आपका? क्या नाम है आपका? ओमपति। ओमपति आपका जी? पतासो। देखो पतासो वाह क्या नाम है देखो भाई ऐसे ही नाम होया करते देखो पूरे
गांव के। आपका क्या नाम है जी? अरे उसने बोल मोने की माँ बताओ। आप भी बोल दे रहे हो, नाम तो बता दो अपना, क्या है, क्या नाम है जी? भाई मेरा तो नाम चंद्रपति है, मन बोल दिया नहीं, शर्म आ कर। आपको भी शर्म आवे जी? ना भाई ना, देखो शर्माना क्या बोलना ही तो है। शर्माना क्या है भाई, वोट देंगे खुल का खुल का। ओमपति, ओमपति नाम है मेरा, और बढ़ाने की देंगे वोट। बढ़ाने की? हाँ। अच्छा जी। हाँ बीजेपी की वोट दोगे? हाँ। क्यों ऐसा क्यों? क्यों कहती, काम कर रहा हो ये कीर्तन जो करवाया उनके नाम का, जीत के नाम का करवाया कि? ये इसके के नाम का कराया, बटाने के नाम का। तो भाई देखो मैंने इनसे थोड़ी सी बातचीत करी है, कुछ और से भी बात करूंगा मैं। ये सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर आई हुई हैं महिलाएं, ये कह रहे हैं कि मनमोहन भड़ाना की जीत के लिए यहाँ से जो है हमने कीर्तन स्टार्ट कर रखा है। कुछ और बात कर लेंगे, आप भी कोई से करोगे जी बात? यूट्यूब पर आप देखोगे आप वीडियो अपनी? अच्छा जी, आपका क्या नाम है जी? रामदेव। रामदेव जी क्या करवाया, किस लिए करवाया जी कीर्तन? बढ़ाने के लिए। हाँ बढ़ाने के लिए। अच्छा, ताकि बीजेपी से यहाँ से जो कैंडिडेट जीते। हाँ क्यों? बढ़ाओगे ना। बढ़ाओगे? हाँ। आपके गांव से जीतेगा यहाँ से? जीतेगा। अच्छा जी, जीतेगा। तो देखो भाई इन्होंने सभी ने बताया कि भाई यहाँ से बढ़ाना जीतेंगे, इधर इनसे भी बातचीत करेंगे। क्या नाम है जी आपका? संतोष है जी। आवाज ना करो थोड़ी, संतोष। हाँ संतोष। इस गांव से ही हो? हाँ जी इस गांव से। अच्छा, ये कीर्तन आज जो करवाया है क्यों करवाया? ये बढ़ाना की खुशी में करवाया। अच्छा। हमारा बेटा है, हम बढ़ाना टिकट में लिया, उस खुशी में करवाया हमने। अच्छा। हाँ तो हमारा लड़का है, वो हमारे गांव का है, अच्छे काम करेगा, वो जीतेगा यहाँ से। सब ये इसके साथ हैं। सब इसके साथ? हाँ जी सब। जीत के जाएगा अपने गांव? हाँ जी जीत के जाएगा। क्यों, ऐसी क्या बात है? और भी कैंडिडेट है बहुत सारे। नहीं जी ये सबसे अच्छा है। हाँ जी। इसने कांग्रेस को क्यों नहीं वोट देते? कांग्रेस को जी, कांग्रेस को वोट नहीं देते। कांग्रेस पीछे नहीं, कांग्रेस थी बाद से क्या कर दिया। हाँ। 10 साल पहले तो कांग्रेस थी, तब क्या किया था? तो अब करेगी कांग्रेस नहीं, हम तो बीजेपी को वोट देंगे, बीजेपी को बनाएंगे। बीजेपी ने बढ़िया काम किया? हाँ जी बढ़िया काम करा बीजेपी ने। हाँ जी सारा काम करा बीजेपी ने, बच्चे लगवा दिए बगैर पैसे लगन लाग रहे। बताने और क्या करेगी बीजेपी, जितनी खबात करे बच्चे उतने लगन लाग रहे। बीजेपी ने बहुत अच्छा काम किया। मनमोहन बढ़ाना के लिए काफी लोग कह रहे कि ये तो बाहर से आए हुए हैं। नहीं जी नहीं, ये हमारे गांव का है, ये हमारे गांव का है, यही का करंस का। हाँ जी करंस का है। ये पक्की बात कह रहे? हाँ जी पक्की बात कह रहे, करंस का है ये। अच्छा जी। हाँ जी। तो मनमोहन बढ़ाना की लगता है कि जीत पक्की होगी? हाँ जी जीत पक्की होगी मनमोहन बढ़ाना की। तो यहाँ से तो रविंद्र मछरोली आपके पड़ोसी? नहीं जी नहीं, मछरोली तो चोर है, पीछे वोट दी थी, पीछे पाया भी ना था कितने भी रविंद्र मछरोली। हाँ जी चोर है, चोर। चोर क्यों? हाँ जी पीछे पूरे गांव ने वोट दी थी, और मेरे दूध के पैसे भी रख लिए थे बिना के, चोर है वो पक्का। अच्छा रविंद्र मछरोली? हाँ 6 किलो दूध रोज पिया करता, और बाद में नहीं बोला केस लगवा दूंगा, पैसे लेगी तो। अच्छा हाँ जी। ये सच कह रहे हो? सच कह रही हूँ पति। ऐसे क्या बात विधायक? ऐसे क्या, अरे पहला भी उसने बताया दो पलाना में, दो पलाना में इसका बाप बना रखा है कति खूब। धर्म सिंह छोकर भी आप बढ़िया बोलते हैं, धर्म सिंह छोकर भी चुनाव नहीं जी, हमने तो यो बनाना अपना मनमोहन सिंह। अच्छा पड़ोसी गांव का रविंद्र मछरोली भी कह रहे हैं बेकार, कति बेकार, सोया का बेकार एक है वो। अल्ले पीछे वोट दी थी पूरे गांव ने हंगा लगा कर, चोर का न्यू नहीं बेरा पट्टा कड़ा जाकर लुक गया। अच्छा जी। हाँ जी एक दिन भी नहीं आया। तो मतलब मन बना लिया कि बढ़ाना साहब का? हाँ जी हमने बढ़ाना ही साहब बनाना है। हाँ जी। तो ये दादा खेड़े का थाना है? हाँ जी दादा खेड़े का। तो आज यहाँ पर मतलब भंडारा जगह जो कर दिया कीर्तन? हाँ कीर्तन खुशी में कर दिया, ये हमने टिकट मिल गई। अच्छा हाँ जी खुशी में। हाँ जी। तो इधर से टीम भी आई है, कहाँ से आए जी आप? दिल्ली लाडपुर। दिल्ली से आए? दिल्ली तारे हैं, दिल्ली तारे हैं, टीम न लेकर दिल्ली तारे हैं, जितान की ताई एक इलेक्शन हो लेंगे जब जागे इतने। अच्छा इलेक्शन होंगे? साढ़े कीर्तन होगा। अच्छा हाँ। तपस्या करोगे? यही है तपस्या करे, इसी खुशी सब कहते भगवान। आज इस गांव में जीते, कल अगले गांव में भी जीतता है। पता आपको यहाँ पर क्या है? पहली बार है, हमें तो नहीं पता, मैं जिन्हें इनवाइट करा उनके खुशी से आए। हम दूसरी बार कीर्तन करने के लिए आए हैं, ये दुआ करेंगे जीत जीत जाओ। और हमारा चैनल है शीतला सेठ मसानी सचिन लाडपुरिया कीर्तन मंडली, हमारा चैनल है यूट्यूब पे। तो आप यहाँ बढ़ाना के लिए कीर्तन करने आए? हाँ जी मैं लेके आई हूँ खुशी में, जिताने के लिए जिताओगे भाई। रविंद्र मछरोली भी चुनाव लड़ रहे हैं? रविंद्र मछरोली क्या इतना यहीं डटे हैं, दिल्ली से आए हुए हैं, देख लो इतना अच्छा नेता, हमने सुनी है दिल्ली तक भी प्रचार हो रहे हैं, अच्छा नेता।
रविंद्र ने कुछ करवाए, काम करवाए, बहुत काम करवाए हैं, बहुत काम करवाए हैं, अच्छे बढ़ाना साहब आपके गांव की है के? बढ़ाना बढ़ाना हमने भाई मारे गांव का है, पूरा काम करवाओ भाई बनेगा। जो हम तो दिल्ली था हमने को तो आपका क्या नाम है जी? केड़ा नाम है। केड़ा नाम है जी। केड़ा, तो आप किसको समर्थन करना चाहते हो, किसको वोट देना चाहते हो, बीजेपी को या कांग्रेस को? देखो टाइम बताओगा जी, कुछ नहीं कह सकते हम। उधर एक वोट ले ले, बीजेपी ने देंगे, मेरा पोता भी बीजेपी ने देगा। हाँ जी। अच्छा, ये जो साथ में आई है आपकी, सभी वोट देंगे बड़ा? हाँ जी, सभी वोट देंगे, कति जितनी आ रही सभी वोट देंगे। हाँ जी, सभी देंगे। इधर क्या नाम है जी आपका? कोई नहीं बात नहीं, तो देखो जमाना था उस टाइम पे, वो क्या बताओ जी नाम, मोर लग गई अड़ा, ये तो कीर्तन कर रही थी, मोर तो कौन लग गई, स्कूल में लग गई, स्कूल में इसने बोले बोल। किसकी वोट दोगे? बढ़ाना की, बढ़ाना की, हाँ पीछे भी बढ़ाना की दी थी करतार सिंह की, इनके मनमोहन की जता का बहुत खुशी हो रही है। और भी तो कैंडिडेट रविंद्र मछरोली है यहाँ, कोई हो बढ़ाना जीत का आएगा। अच्छा जी, हाँ पक्की बात है, पक्की बढ़ाना जीतेगा, और गेले बाबू बेटा यहाँ जीतेंगे, और गांव में कुछ नहीं बनने लंदे, कोई बन जाप अपने लिए बना है। कौन जीतेगा? हाँ बढ़ानिया, ये भाई जयकारा लगा दिया इन्होंने, तो बड़ा कीर्तन कर रहे थे, डिस्टर्ब करे उसके लिए। चलो ये देखो भाई, पूरे गांव के लोग आए हैं, एक बार जयकारा लगा दो, लगाओ एक बार। चलो फिलहाल यहाँ पर समझान का डिस्टर्ब कर दिया, वैसे भाई थोड़ी सी दिक्कत में मैं अचानक आ गया था, तो कैसा लगा इंटरव्यू कमेंट करके जरूर बताना। यहाँ से थोड़ा सा चर्चा करी है चुनाव के बारे में, वैसे चुनाव के बारे में मैं करता ही रहता हूँ, तो चुनाव की चर्चा करूँगा, तो कैसी लगी वीडियो कमेंट करके बताना, आपकी बार यहाँ से किसको वोट देगा, तब तक ओके ओके जी, करो कीर्तन।